हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। अभी सभी लोगों का ये वाला क्वेश्चन चालू हो गया क्योंकि अगस्त चालू हो चुका है, तो अब सर टेस्ट सीरीज के बारे में सब लोग बात करना चालू कर दिए कि टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग अभी कैसे होगा, कौन सी टेस्ट सीरीज बेटर है, या फिर टेस्ट सीरीज को कैसे इंगेज करना चाहिए, टेस्ट सीरीज कब से देना चाहिए। अभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी लोग का धीरे धीरे क्वेश्चन चालू होता है। फिर लोग अपने सीनियर से पूछते, किसी टीचर से पूछते, बहुत लोग के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते, बहुत लोग एडवाइस करते, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर देता हूँ कि टेस्ट सीरीज वाला पार्ट की पहला क्वेश्चन ये कि टेस्ट सीरीज कब हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज तब स्टार्ट करना चाहिए जब आप कंफर्टेबल हो। ऐसा भी नहीं कि दिसंबर खत्म हो गया और कंफर्टेबल ही नहीं हुए, तब तो खत्म ही हो जाएगा सब कुछ। जब आप कंफर्टेबल हो, इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट सीरीज कौन लोग पहले अटेम्प्ट कर पाते हैं, जिन लोग एक साल पूरा कहीं पे कोचिंग कर चुके हैं या एक साल अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हैं और अब सेकंड अटेम्प्ट ले रहे हैं अपने रैंक इंप्रूवमेंट के लिए, उनके पास पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वो एक बार पूरा पढ़ चुके हैं। तो जो लोग एक बार पूरा पढ़ चुके हैं और अपने रैंक को इम्प्रूव करने के लिए इस बार फाइट करने जा रहे हैं गेट 2020, तो उनको तो टेस्ट सीरीज में एंगेज हो जाना चाहिए और उनको नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना चाहिए। उनको मतलब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और आईएन की बात कर रहा हूँ मैं भी, इसमें इसके रिगार्डिंग मेरा जो डिस्कशन है सिविल मैकेनिकल के लिए। बाकी सर लोग बात करेंगे मैकेनिकल के लिए, मुकेश सर आपको बता देंगे और सिविल के लिए अमित सर आपको बता देंगे। तो मैं अभी ECW और आईएन की बात कर रहा हूँ कि जितने लोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले लोग हैं, तो अगर कोई रैंकर्स है और उसका 5000 रैंक है या 4000 है या इवन 2000 है और वो इस बार फिर से फाइट करने वाला है, तो उसको नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना चाहिए। मतलब जितने भी फेमस जो भी टेस्ट सीरीज वो जानता है, चाहे वो मैडी जी हो, चाहे वो एस एकेडमी हो, चाहे वो हमारा गेट एकेडमी का हो, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और इस बार तो आप गेट एकेडमी में देखोगे तो आपको वीडियो सॉल्यूशन भी दिखेंगे, आपको क्वेश्चन का लेवल भी दिखेगा। कोई इलेक्ट्रिकल कोर वाला होगा तो वो देख सकता है कि मशीन के हम चार चार टेस्ट पेपर रखे हैं, मशीन के मतलब डीसी मशीन हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे सिंक्रोनस हो, चाहे इंडक्शन हो, पावर सिस्टम में भी PSA 1, PSA 2 और PSA 3 का भी पेपर रखे हुए, वीडियो सॉल्यूशन के साथ भी रखे हुए। तो हम अपने से तो ट्राई कर रहे हैं कि आपको बहुत ही गुड इन्वायरमेंट मिले, आपका जो इंटरफेस है वो बहुत गुड हो, क्वेश्चन का जो क्वालिटी हो वो बहुत गुड हो, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम दो से तीन सब्जेक्ट को भी कंबाइन करेंगे किसी क्वेश्चन में। ऐसा सभी लोग कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बाकी लोग भी अपना बेस्ट ट्राई कर रहे होंगे। तो जो रैंकर्स लोग हैं वो नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उनके पास गुड आइडिया होता है, उनको जल्दी पता भी चल जाता है कि कौन सा टेस्ट सीरीज बेटर है, कौन से टेस्ट सीरीज गेट के स्टाइल का है, कौन से टेस्ट सीरीज में जो कंटेंट्स है वो बहुत ही अच्छा है। तो नॉर्मली एक जो फ्रेशर होता है उसको आइडिया कम होता है, लेकिन जो एक बार एग्जाम दे चुका है गेट का, वो भी सिंसियर प्रिपरेशन के बाद, तो उसके पास गुड आइडिया है। तो मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ, पहले जो लोग इस बार रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं बहुत ही बेस्ट फॉर्म में, उनको नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज देना चाहिए क्योंकि उनके पास टाइम होता है, उनके पास कंटेंट का प्रॉब्लम नहीं होता है, उनको पढ़ने का प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको टेस्ट सीरीज ज़्यादा ज़्यादा दोगे तो आपकी एक्यूरेसी वाला पार्ट इंप्रूव होगा, आप और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो उस केस में आप एक टेस्ट सीरीज के साथ मत जाइए, 3-4 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको लगता है, जो आप फील करते हो। ठीक है, प्रॉब्लम उन लोगों के साथ है जो फ्रेशर लोग हैं, जो लोग किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं, जो दिन भर क्लास जाते हैं, या कोई PDGD कोर्स वाले जो लोग होंगे, क्योंकि इसमें से जितने सारे जो PDGD वाले कोर्स वाले जो हमारे लोग होंगे, जो 2020 वाले होंगे, तो वो लोग के तो टेस्ट सीरीज फ्री में मिला हुआ है। तो मेरे को लगता है कि वो लोग अपना स्टार्ट भी कर देंगे, कुछ लोग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना स्टार्ट भी कर दिए होंगे कुछ लोग। और जो सेल्फ स्टडी वाले लोग रहते हैं, कई बार वो लोग भी लेट से स्टार्ट करते हैं, उन लोगों का भी कई बार लेट हो जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग 2020 में अपना एग्जाम देने वाले और उनको टेस्ट सीरीज अच्छे से इंगेज करना है, तो उनको ये देखना पड़ेगा कि टेस्ट सीरीज वाले पार्ट पे कि उनको अभी सब्जेक्ट वाइज देना स्टार्ट करना चाहिए वो, और वो लोग ना ज़्यादा हड़बड़ाए नहीं, ज़्यादा वरी ना करे कि मेरा क्या होगा, मैं तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं किया। अरे अपनी प्रिपरेशन, अपना स्टाइल, सब कुछ अपना अपना फॉर्म होना चाहिए। किसी दूसरे की स्टाइल, किसी दूसरे की प्रिपरेशन आपके लिए कुछ हेल्पफुल नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई दूसरा कितना टेस्ट दे दिया। आप अपने बारे में सोचते रहिए कि आपका सब्जेक्ट कितना अच्छा है, टेस्ट ज़्यादा दिन से क्या फ़ायदा जब आपको आता ही नहीं कुछ। तो आप पहले ना अपने ऊपर पहले देखें कि आपका कंटेंट्स कितना स्ट्रांग हुआ है। टेस्ट सीरीज का एडवांटेज उन लोगों को होता है जो अपने आप को गुड चेक कर पाते। टेस्ट सीरीज से आप सिर्फ कंसेप्ट बना पाओगे, एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं है, 1-2% केसेस में कुछ लोगों को एडवांटेज होता है इन चीज़ों का, लेकिन वो स्मार्ट लोग होते, एकदम ही ज़्यादा स्मार्ट लोग होते। एक नॉर्मल स्टूडेंट को तब एडवांटेज होगा जब उसका कंटेंट अच्छा होगा और वो टेस्ट सीरीज देगा और उसको चेक करेगा कि मेरे को सही में आता है कि नहीं। तो मेरे को लगता है कि आपको पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से स्टार्ट करना चाहिए। जो पहली बार गेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, थोड़े अच्छे से देने वाले 2020 में, तो उनको सब्जेक्ट वाइज देना चाहिए। अब सब्जेक्ट वाइज में भी उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि कितने सब्जेक्ट का टेस्ट पेपर दे, कौन सा टेस्ट पेपर दे। तो आप पहले देख ले कि
सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप स्टार्ट कर सकते हो, आपकी क्लासेस बिजी चल रही है, कोई एक आधी सब्जेक्ट जैसे आपका खत्म हो गया, जैसे आप गेट अकेडमी के स्टूडेंट्स और कंट्रोल सिस्टम आपका खत्म हो गया, तो आप कंट्रोल सिस्टम का टेस्ट दे दो। आप अगर मेडिजी के स्टूडेंट हो और वहाँ पे आपका नेटवर्क हो गया है तो आप नेटवर्क दे दो। मतलब कहीं के भी आप स्टूडेंट हो, आपका जो सब्जेक्ट होते जा रहा है, कैसे भी टाइम को मैनेज करो। मतलब आसान नहीं है कि 8 आवर्स की क्लास के बाद आप घर जाकर टेस्ट दो और फिर मॉर्निंग में फिर उठ के आपको 8 आवर्स के लिए मेंटली रेडी होना है, ये सही में आसान नहीं है, मतलब जहां तक मैं देख पाता हूं। लेकिन ठीक है, आसान चीजें कहां होती है, जब तक आप कंफर्ट जोन में रहोगे तब तक चीजें कैसे होगी। बाहर निकलो उस जोन से और आप अपना बेस्ट देने का ट्राई करते रहो, कैसे भी करके। ये 6 मंथ की बात है, अपनी जिंदगी का ये 6 मंथ जो है उसको अलग टाइप से अपने एफर्ट में लगाओ तो चीजें थोड़ी सी आपके फेवर में जाएगी। तो आपको बाहर निकलना होगा। अगर आप ऐसे बेसिक से माइंड सेटअप के साथ अगर प्रिपरेशन करोगे कि यार 8 आवर्स की क्लास के बाद कोई टेस्ट देता है क्या, हम वैसे भी थक गए मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक पढ़ते पढ़ते, फिर हम आराम से रिलैक्स करेंगे, घर जाएंगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, ऐसा सोचने से, ऐसा तो सभी लोगों के साथ है। पूरे इंडिया में जितने लोग होंगे पूरे के पूरे लोगों का प्लानिंग ही ऐसा होगा, सब लोगों के थॉट में यही बात आती है कि हम बहुत देर से पढ़ रहे तो थक चुके हैं, मतलब टायर्ड हो चुके हैं शाम तक, अब माइंड भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप आराम से जब इवनिंग में जब आपकी क्लास खत्म होती है घर जाते हो, आप डिनर करते हो, 30 मिनट्स के लिए आप आराम से रिलैक्स जोन में रहो, 30 मिनट्स के लिए आपको नहाना है नहा लो, शावर वगैरह लो, थोड़ा सा आप म्यूजिक सुनना है म्यूजिक सुन लो, अपने आप को ना अपना जो कंसंट्रेशन लेवल उसको बढ़ाओ, अपने पे फोकस करो। आप ये दुनियादारी ये बहुत सारी जो चीज़ें कभी कभी इसको अवॉइड भी कर सकते हो, अपने पे फोकस करो। उसके बाद फिर अपने आप को इन्वॉल्व करो, जो भी आप आज के दिन भर की क्लास में पढ़े थे या आपका टेस्ट देने का प्लान था एक आधी वीक या 15 दिन में, आप टेस्ट देने का प्लान भी रख सकते हो। धीरे धीरे आपका इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट होगा, तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना स्टार्ट करो। सेकेंड चीज़ है कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते समय अपने को ये भी केयर करना है कि हम कितने टेस्ट देने वाले हैं। तो नंबर ऑफ टेस्ट देने का वो नीड नहीं है कि बहुत सारे आप टेस्ट दे रहे हो, आप बस ये देखो कि जो सब्जेक्ट आपके वीक है उसमें थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा दे सकते हो, जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है उसमें टेस्ट थोड़े से कम दे सकते हो। लेकिन फ्रेशर लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि सर हम टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें, हम नंबर ऑफ टेस्ट तो बहुत सारा दे नहीं पाएंगे। ये एकदम ट्रू है कि एक फ्रेशर जो पहली बार गेट का एग्जाम देने जा रहा है अभी इस बार अच्छे से प्रिपरेशन करके, वो नंबर ऑफ टेस्ट कैसे दे पाएगा। मतलब वो अगर उसको लगता है कि वो गेट अकेडमी का टेस्ट सीरीज भी ले लिया, एस अकेडमी का भी ले लिया, मेडिजी का भी ले लिया, तो फिर नंबर ऑफ टेस्ट इतने सारे कैसे दे पाएगा। तो ठीक है, ये तो क्वेश्चन है ही। तो मेरे को लगता है कि टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं है, आपको बस ये देखना है कि आपके पास टेस्ट सीरीज होना चाहिए, आपके पास टेस्ट सीरीज होना चाहिए, आप इन तीन जगह से टेस्ट सीरीज रख सकते हो। उसके बाद अब आपको कैसे, मैं बोलूँगा कि गेट अकेडमी का टेस्ट सीरीज सबसे बेटर है, मेडिजी वाले बोलेंगे उनका सबसे बेस्ट है, एस अकेडमी वाले बोलेंगे उनका सबसे बेस्ट है, फिर आईटी सेल जो होगा वो डिफरेंट जगह पे पोस्ट करेगा किसका टेस्ट सीरीज अच्छा है। तो आपको समझ कैसे आएगा कि किसका टेस्ट सीरीज अच्छा है, मतलब डिफरेंट लोग आपको गाइड करेंगे अलग अलग वे में, कुछ लोग पिछले साल के एक्सपीरियंस पे बेस बात करेंगे। तो अभी हम इस साल की बात कर रहे हैं कि जो इस साल का जो टेस्ट सीरीज का जो स्टाइल है, टेस्ट सीरीज का जो फॉर्मेट है, किसका बेटर है, वो आप जब आप अटेम्प्ट करोगे तब आपको पता चलेगा। तो मेरे को लगता है कि आप 1-2 टेस्ट पेपर सभी के दे दो, जिससे आपके पास गुड आइडिया हो जाए कि किसका टेस्ट सीरीज आपको लगता है कि इफेक्टिव है, कौन से टेस्ट सीरीज से आपको एडवांटेज हो रहा है, किसके टेस्ट सीरीज में वीडियो सॉल्यूशन है प्रॉपर फॉर्म में, किसके जो सॉल्यूशन है बहुत गुड फॉर्म में है, किन टेस्ट सीरीज से आपको एडवांटेज, ये आपका कॉल है, ये आपको देखना होगा कि आपके लिए कौन बेटर है। मैं तो गेट अकेडमी बोलूंगा, नो डाउट बोलूंगा ही मैं तो गेट अकेडमी, कि गेट अकेडमी ECW और IN वाला कोई स्टूडेंट होगा तो उसको गेट अकेडमी के साथ जाना चाहिए, ऐसा मैं बोलूंगा। लेकिन फिर भी ये आपका कॉल है। और टेस्ट सीरीज कोई महंगा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि तीनों का टेस्ट सीरीज ले लोगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली आ जाएगा। मैं किसी को सजेस्ट करूं और बहुत मनी का प्रॉब्लम नहीं है तो आप तीनों का टेस्ट सीरीज रखे रहो, पूरा तो दे नहीं पाओगे आप, लेकिन फिर भी जैसे आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हो तो आपको लगता है कि मेरे को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स देना है, तो आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सबके टेस्ट पेपर दे दो, पावर टाइम्स के सबके टेस्ट पेपर दे दो। उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि किसका टेस्ट पेपर ज्यादा अच्छा है, उससे डिसाइड करना आपके लिए आसान होगा कि आपको और भी बाकी टेस्ट पेपर कैसे देना होगा, ऐसा आप डिसाइड करना आपके लिए आसान होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि इस वे में आप सोचोगे तो फिर आप अपने लिए बहुत अच्छा कर पाओगे। सेकेंड चीज़ है कि नंबर ऑफ टेस्ट पेपर आप उन्हीं के ज़्यादा दो, आपका जो वीक सब्जेक्ट है, आपके जो कोर सब्जेक्ट है जिसमें स्कोर ज़्यादा होने वाला है, लाइक पावर इलेक्ट्रिकल अगर कोई है तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, मशीन, इन सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बार दो। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई स्टूडेंट्स है तो उसको ध्यान देना चाहिए कि उसको अपना कम्युनिकेशन ज़्यादा देना चाहिए, उसको EMT का पेपर देना चाहिए, उसको EDC का देना चाहिए, उसको एनालॉग सर्किट का पेपर देना चाहिए। जहाँ पे वेटेज ज़्यादा है वहाँ पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए टेस्ट सीरीज में, जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। और मैथ्स और एप्टीट्यूड तो हमेशा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उस चीज़ को तो आप कभी भी इग्नोर ना करें कि मैथ्स और एप्टीट्यूड को आप इग्नोर कर सके, ऐसा कभी भी ना करें। तो टेस्ट सीरीज का जो फॉर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज आप देखोगे कि टेस्ट सीरीज
जो लोग देते हैं उनके सोचने का तरीका अलग अलग है। कुछ लोग टेस्ट सीरीज को बहुत ही अलग टाइप से एंगेज करते हैं और मेरे को उन लोगों का स्टाइल बहुत पसंद है कि टेस्ट सीरीज को देते जाते हैं फिर टेस्ट सीरीज को एनालिसिस में ज़्यादा टाइम लेते हैं, मतलब टेस्ट सीरीज को देने के कंपेयर में एनालिसिस में अपना ज़्यादा टाइम निकालते हैं, उसके बाद उसको मार्क करते जिन क्वेश्चन के कंसेप्ट उनको अच्छे लगते हैं अलग से कॉपी बनाते और वहाँ पर नोट करते जाते, कुछ क्वेश्चन अगर अच्छा लगता है तो उस क्वेश्चन को नोट कर लेते। ऐसा करते से जब आप नेक्स्ट 4-5 मिनट तक आप जाते जाओगे तो आपके पास बहुत सारा कलेक्शन होगा गुड कंसेप्ट का, गुड क्वेश्चन का, आपका माइंड सेटअप बहुत गुड होगा। लेकिन आप टेस्ट पेपर दे दिए फिर आपका स्कोर आया नहीं आया, उसके बाद आप उसको जाने दिए, ना एनालिसिस किए ना उसके अच्छे पॉइंट्स को लिए, तो टेस्ट सीरीज आपके किसी काम का नहीं रहेगा। चाहे फिर आप किसी का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो किसी का भी, तो बहुत ज़्यादा आपके काम का नहीं रहेगा। तो जस्ट आपको गुड आइडिया होना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो तो आप मेडिजी एस एकेडमी और गेट एकेडमी का ले लो, आईएएन के स्टूडेंट्स हो तो भी आप मेडिजी एस एकेडमी गेट एकेडमी का ले लो। अगर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आप एक ऑप्शन और ले सकते हो कि मेडिजी गेट एकेडमी एस एकेडमी के साथ साथ आप क्रिएटिक्स का भी ले सकते हो। क्रिएटिक्स का जो पेपर होता है वो इलेक्ट्रिकल के लिए अच्छा पेपर बनाते हैं, अंकित गोयल सर में देखा हूँ कि कुछ क्वेश्चन अच्छे फ्रेम करते हैं, कोर सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन अच्छे फ्रेम करते हैं, तो वहाँ से भी आप एडवांटेज ले सकते हो। तो मेरे को लगता है कि वो भी आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है। तो एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट 4 ऑप्शन ले सकता है। डे बाय डे इलेक्ट्रिकल में कंपटीशन भी बढ़ रहा है तो उनको केयर करने की नीड है एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स की। मतलब ओवरऑल आपको अपना देखना है कि आप कैसे अचीव करोगे चीज़ों को, कैसे अच्छे फॉर्म में अचीव करोगे, ये आपको देखना रहेगा। ठीक है, सभी लोग अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, सभी लोग अपना देख रहे हैं कि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाए, क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत अच्छे से बनाए, वीडियो सॉल्यूशन बहुत अच्छे से दे। हम लोग तो वीडियो सॉल्यूशन पे भी वर्क कर रहे हैं कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जब वीडियो देखता है तो उसको कई कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलते हैं। एक वीडियो सॉल्यूशन जब आप देखते हो किसी क्वेश्चन का तो आपको कुछ कंसेप्ट भी मिल जाते हैं। जब हम सिर्फ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो कई बार जब टेक्स्ट फॉर्म में सॉल्यूशन रहता है तो उससे कई बार कंसेप्ट नहीं पता चलता है, लेकिन जब कोई टीचर बताता है तो बोलता है देखो इन चीज़ों का केयर करना, तो कंसेप्ट भी देखने को मिलता है। आप गेट एकेडमी के सॉल्यूशन देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही गुड फॉर्म में पीडीएफ बना होगा, पूरे अच्छे फॉर्म में सॉल्यूशन का स्टाइल होगा। तो हम ट्राई कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब आप टेस्ट पेपर दो सभी का तो उसके बाद जब आपको फील हो कि किसका बेटर है तो आपका रिस्पांस होना चाहिए गेट एकेडमी के लिए सबसे बेस्ट होना चाहिए। इस एफर्ट के साथ ही हम लोग इस एप्रिसिएशन जो मेरे को चाहिए ये वाला आपका टेस्ट सीरीज का, इसके साथ ही हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पूरी की पूरी टीम टेस्ट सीरीज में पूरा का पूरा एफर्ट कर रही है कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा रहे, बहुत ही गुड फॉर्म में रहे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और आईएन का तो मैं देख ही रहा हूँ, मैकेनिकल सिविल का तो मैं बोला हूँ कि दूसरे टीचर लोग अभी आपको बताएंगे जो मैं नाम ले रहा था। बाकी ECW और आईएन में आप फ्री रह सकते हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी का टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लिए और उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं रहा तो आपका कुछ गलत हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब कि आप ऐसा जिम नहीं कर सकते हो किसी का, मतलब 700, 800 या 1000 का जो भी टेस्ट आता होगा, किसी का हो सकता है 1500 का आता हो, तो किसी का टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लिए और आपके साथ गलत हो गया, इतना तो आप किसी ऐसी जगह पे आपका निकल जाता है। तो आप उसके लिए इतना वरी ना करें, आप नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज अपने पास रखे रहे, जब आपका जो मन हो वो दे। आप फिर अपना देखें कि आपका जो जोन है, आपके सोचने का जो तरीका है, आपका कंफर्ट जो जोन है, और आप जिस तरीके से टेक्निकल चीज़ों को कैरी करते हैं, कौन सा टेस्ट सीरीज आपके अकॉर्डिंग है ये भी देखना जरूरी है। कई बार टेस्ट सीरीज में लोग ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जो गेट से रिलेटेड ही नहीं है, जबरदस्ती का टब बना देते हैं, मतलब ऐसे ऐसे कंसेप्ट ऐसे क्वेश्चन जिसका कोई लेना देना नहीं है, जबरदस्ती टब करते ना जो 30 साल में कभी आए हैं ना आएंगे। तो ऐसा ऐसा ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करना सीखना चाहिए आपको, ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करते आना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मार्ट स्टूडेंट टेस्ट सीरीज को कैसे यूज करता है, तो उसको पता होता है कि मेरे को गुड क्वेश्चन कैसे कलेक्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को मेरे को अवॉइड करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जब गेट का एग्जाम जब हम देते हैं, 3 आवर्स का पेपर जब देते हैं, तो 3 आवर्स के पेपर में ना ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको कितना आता है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जो नहीं आता है उसको आप अवॉइड कैसे करेंगे। अगर आपका 65 क्वेश्चन है और आपको 10 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चन को अवॉइड करना है, तो ये आपका जो कॉल होता है ना कि मेरे को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत कम लोगों को आता है। ये आसान नहीं है, बहुत टफ है कि आप किस क्वेश्चन को देख के पता कर लेंगे कि क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। एक नॉर्मल स्टूडेंट हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है, देखेंगे बनेगा कि नहीं बनेगा, देखा जाएगा। जितने लोग भी हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं देखा जाएगा, उनका स्कोर कभी अच्छा नहीं आता है। और जितने लोग रैंकर्स होते हैं जिनको आप जानते हो, वो लोग तुरंत ना इवैल्यूएट कर लेते तुरंत ही कि इस क्वेश्चन को मेरे को अटेम्प्ट नहीं करना है, ये क्वेश्चन मेरे को इग्नोर करना है, गेट के एग्जाम के बाद देखेंगे। तो लोग बहुत ही स्मार्ट होते हैं। तो अपने को स्मार्ट स्टूडेंट बनना है, अपनी प्रिपरेशन ठीक है, अपन हार्ड वर्कर है, हार्ड वर्क करते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट तो बनना पड़ेगा। इस दुनिया की फाइट में जहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट लोग है ऑलरेडी, वहाँ पे अगर अपने को फाइट करना है तो अपने हार्ड वर्क को थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ में रिप्रेजेंट करने का ट्राई तो करना चाहिए, तब पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। तो टेस्ट सीरीज का एक ही एडवांटेज है कि आप अपने बारे में एनालिसिस कर पाते हो, अपने बारे में जान पाते हो, अपने
अपने बारे में एक गुड आइडिया रखते हो कि मेरा कौन सा वीक जोन है, कौन सा मेरा स्ट्रांग जोन है, मैं थ्योरेटिकल चीज़ों से डरता हूँ कि न्यूमेरिकल चीज़ों से डरता हूँ, कि मेरे को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गुड लगता है कि मेरे को न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन बनता ही नहीं है, मेरा थॉट प्रोसेस कहाँ जाके रुक जाता है, कौन से सब्जेक्ट में मैं हैंडल ही नहीं कर पाता हूँ एक नए क्वेश्चन को, ये जब तक आपको नहीं पता चलेगा आपका प्रिपरेशन का मोड कैसे गुड हो पाएगा। इसलिए लोग बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज देना बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मेरे अकॉर्डिंग भी टेस्ट सीरीज देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको आपको अपना जोन देखना पड़ेगा कि कब से आप टेस्ट सीरीज देने वाले हो। तो मेरे को लगता है कि अभी अगस्त आ गया है, बहुत सारे लोग नवंबर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं फिर भी लोगों को एडवाइस करता हूँ कि ये समय आ गया, आप थोड़ा सा टेस्ट देना चालू करो, थोड़ा सा गुड आइडिया रखो। मार्क्स आपका नहीं आएगा चलेगा, मार्क्स किसी का आता ही नहीं शुरू में, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनका मार्क्स 5-10 ऐसे ही मार्क्स आते रहता है, फिर एक महीने के बाद वो थोड़ा सा मार्क्स बढ़ेगा, फिर 2 महीने के बाद मार्क्स बढ़ेगा, लेकिन आप डायरेक्टली दिसंबर में स्टार्ट करोगे टेस्ट सीरीज तो मार्क्स उस दिन बढ़ेगा और गेट के एग्जाम तक ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए थोड़ा सा प्रिपरेशन स्टार्ट पहले कर सकते हो, आपके पास गुड आइडिया होगा, आप अपने आप को जल्दी जान पाओगे, तो जो अपने आप को जल्दी जान पाएगा वो अपने आप पे ज़्यादा वर्क कर पाएगा, जो अपने आप को लेट जानेगा वो अपने आप पे वर्क नहीं कर पाएगा, तो ये डिफरेंस बहुत मैटर कर जाएगा बाद में जाके। तो ठीक है, तो जस्ट मैं बोला कि टेस्ट सीरीज के लिए एकदम वरी करने की जरूरत नहीं है कि मैं स्टार्ट नहीं किया हूँ, कोई स्टार्ट कर चुका, नहीं, आप अपने कंसेप्ट पे पहले बहुत अच्छे से फोकस करो, आपको अच्छे से आना चाहिए। आप कहीं पे भी स्टूडेंट्स हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी के स्टूडेंट्स हो, चाहे ऑनलाइन कोर्स लेके पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट्स हो, कहीं के भी आप स्टूडेंट हो, किसी भी कोचिंग के इंस्टीट्यूट हो स्टूडेंट हो, तो आपको बस ये देखना रहेगा कि आपका अपना प्रिपरेशन का स्टाइल क्या है, आप अपना क्या प्लान करके रखे हो, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करो, अपना मंथ वाइज प्लान बनाओ कि भाई मेरे को अगस्त के एंड तक मेरे को क्या क्या पढ़ना है, मेरे कोचिंग में क्या क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं, मेरे क्या सब्जेक्ट हो चुके हैं जिसको मेरे को रिवाइज करना है, और मैं जब रिवाइज करूंगा तो क्या एक दो टेस्ट पेपर देने का प्लान कर लूं, और अपने एक दो टेस्ट पेपर देने का प्लान रखे। ऐसा हो सकता है कभी कि पूरे मंथ में एक दो क्लास आपकी कैंसिल हो गई, तो उस दिन तुरंत आप उस दिन को यूज करके टेस्ट पेपर दे दे, मतलब आपको ना रेडी रहना है कि किसी दिन मौका मिला क्लास जल्दी छूट गई या क्लास किसी दिन नहीं हुई किसी रीजन वाइज, तो आप अपना टेस्ट दे दे, तो आपको टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, तब जाके ना आपको टेस्ट सीरीज का एडवांटेज मिलेगा। और कई लोग जो बहुत स्मार्ट होते हैं जिनको गुड आइडिया होता है, वो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं, फिर उनसे बनता नहीं है उसका सॉल्यूशन देखते हैं, उसके गुड कंसेप्ट को नोट करते जाते हैं, ऐसे करके सेल्फ स्टडी वाले जो स्टूडेंट है ऐसे करके टेस्ट सीरीज से बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं। अब तो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इतनी सारी चीज़ें कंटेंट्स फ्री में अवेलेबल है, लेकिन ये फ्री में जो अवेलेबल चीज़ें हैं इसका ना एडवांटेज सब लोग नहीं ले सकते। मेरे को लगता है कि इसका एडवांटेज सिर्फ स्मार्ट लोग ले सकते, सब लोग कभी ले ही नहीं सकते, कितना भी कुछ फ्री हो जाए, पूरा यूट्यूब में पूरा कंटेंट फ्री हो जाए, स्मार्ट लोग को पता होता है कि मेरे को कहां से क्या चीज़ को क्लिक करना है, कहां से मेरे को कौन से पॉइंट्स को पकड़ना है, तो वो लोग ना एकदम गुड पॉइंट को टच करते हैं, और जो गुड पॉइंट को टच करते हैं तो उनके ना चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं बोला वो स्मार्ट लोग होते हैं, तो अपने को स्मार्ट तो बनना पड़ेगा सब लोगों को। एकदम ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या पढ़ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हमारे प्रिपरेशन का स्टाइल क्या है, हमको पता ही नहीं चल रहा कि हमारी अगले मंथ की प्लानिंग क्या है, हमको पता ही नहीं चल रहा कि हम चाहते क्या है, हमको पता ही नहीं चल रहा कि हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि जो सब्जेक्ट रिवाइज करना था वो रिविजन तो हो ही नहीं रहा है, हम सिर्फ क्लास अटेंड कर रहे हैं और सिर्फ आराम से बस उसी चीज को पढ़ते जा रहे हैं। तो हमारी अगर प्लानिंग नहीं होगी तो बिना प्लानिंग के तो एग्जीक्यूशन नहीं होता है। प्लान तो सबको करना पड़ता है, सबको प्लान करना पड़ता है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट में है तो बहुत प्लान की है, इसलिए फिर से गवर्नमेंट में नेक्स्ट टाइम जो रिपीट किया अभी, तो वो पूरी प्लानिंग की कि किस स्टेट में क्या करना चाहिए करके। दुनिया में हर व्यक्ति को प्लान करना होता है, बिना प्लानिंग के कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होती। मैं भी प्लान करता हूँ, आपको भी प्लान करना पड़ेगा। मैं प्रोफेशनली प्लान करता हूँ कि मेरे को क्या क्या करना है आगे, आपको भी प्लान करना पड़ेगा कि अगस्त के एंड तक क्या करना है, सितंबर के एंड तक क्या करना है, अक्टूबर के एंड तक क्या करना है, सिलेबस जिस कोचिंग में पढ़ रहे लगभग सिलेबस यहाँ तक जाएगा, तो जब तक जाएगा तब तक मैं कितनी चीज़ों को कवर कर लूँ, वेटेज वाइज मेरा क्या क्या चीज़ अच्छे से कवर होना चाहिए। मैथ्स और एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का आएगा, 25% कवरेज होगा, तो 25% अगर कवरेज होगा तो उसको मैं 25% को मैं कैसे अचीव करूंगा, ये सब प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए। तो ये आपको कौन सिखाएगा, ये तो आपका खुद का पार्ट है, आपका एक डायरी होना चाहिए, किसी जगह पे आपको नोट करते रहना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे गोल आप बनाते जाइए और उस पर वर्क करते जाइए, ना कि आप ज़्यादा वरी करें कि कब मैं टेस्ट दूंगा। आप एक एक दो दो टेस्ट देना चालू करो। और मैं तो बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग के इंडिया में मार्क्स कम आएंगे, क्योंकि सब लोग ना टेस्ट सीरीज अच्छा बना रहे, सब लोग का रिस्पेक्ट वाली बात आ गई कि टेस्ट सीरीज अच्छा होना चाहिए, तो लोग टेस्ट सीरीज पे थोड़ा सा ज़्यादा वर्क कर रहे हैं कि टेस्ट सीरीज अच्छा होना चाहिए। अब टेस्ट सीरीज अच्छा होने के चक्कर में एक नॉर्मल स्टूडेंट जल्दी से बना नहीं पाता। अब सब लोग को अपना दिखाना है कि हम लोग बहुत बेटर क्वेश्चन फ्रेम करते, तो बेटर क्वेश्चन फ्रेम करने के चक्कर में एक नॉर्मल स्टूडेंट को सर्वाइव करना पड़ जाता है। लेकिन क्या करें, कंपटीशन का टाइम चल रहा है, कंपटीशन का दौर है, सभी लोगों को अपना बेस्ट देना है, सभी लोग फाइट कर रहे हैं। जैसे अब हम लोग का टेस्ट सीरीज है तो हमको ये दिखाना है कि हम बाकी लोगों से ज़्यादा बेटर है, बाकी लोगों को दिखाना है बाकी लोगों से बेटर है, तो सब लोग अपना फाइट कर रहे हैं, क्योंकि सब लोगों की लाइफ प्राइवेट लाइफ है, कोई गवर्नमेंट लाइफ तो है ही नहीं कि चीज़ें फिक्स हो जाएगी।
सबकी प्राइवेट लाइफ है, तो जो इस फाइट को बहुत अच्छे से कैरी कर पाएगा वो आगे बढ़ते जाएगा, जो इस फाइट को अच्छे से कैरी नहीं करेगा वो पीछे होते जाएगा। तो एक स्टूडेंट के पास ना बहुत ऑप्शन है आज के डेट में, क्योंकि बाकी जो कॉम्पिटिटर है जो फाइट कर रहे उसके कारण उनके पास क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा आता है, उनके फाइट के कारण आपको फीस कम हो जाता है, टेस्ट सीरीज में आपको फीस इतना सारा कम में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाता है। तो मोनोपोली जब होता है तो चीज़ें उतनी अच्छे फॉर्म में नहीं मिल पाती, लेकिन जब फाइट होती है कॉम्पिटिशन होता है, तो जब भी कॉम्पिटिशन होगा आपके लिए बहुत गुड होगा, है ना। जो जब भी कॉम्पिटिटर लोग रहेंगे जब उनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा तो वो आपको एडवांटेज मिलेगा। तो एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से केयर करना चाहिए अपने कंसेप्ट का। तो मैं बस चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से आप इंगेज करो, बेस्ट आप परफॉर्म करो, टेस्ट सीरीज को पूरे पॉइंट्स नोट करो, कॉपी बना लो टेस्ट सीरीज के नाम पे, अलग से एक कॉपी होना चाहिए सिर्फ टेस्ट सीरीज के नाम पे, ये जो कॉपी होना चाहिए डेडिकेटेड टू टेस्ट सीरीज और कलेक्शन ऑफ गुड क्वेश्चन। जब भी आप टेस्ट सीरीज जैसे आप टेस्ट एंड किए, टेस्ट एंड के बाद एनालिसिस करो रफ कॉपी में और कुछ गुड क्वेश्चन कुछ गुड कंसेप्ट नोट करते जाओ। तो आप कितने भी एवरेज है आपका 5 नंबर आ रहा है 10 नंबर आ रहा है, लेकिन आप ये प्रोसेस को कंटिन्यूसली करते जाओगे, इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली करते जाओगे ना तो चीज़ें होगी, चीज़ें अच्छे फॉर्म में होगी, मैं कन्फर्म बता रहा हूँ। आप अगर कभी कभी आप अगर आप देखना कभी आप अगर वॉशरूम वगैरह में रहते हो और वॉशरूम वगैरह में अगर आप देखते होंगे कि आप फ्लोर में कभी देखते होंगे कोई दाग लग गया, और अगर आप वाटर से अगर आप ऐसे क्लीन करने की कोशिश कर रहे हो और नहीं हो रहे सपोज करो, तो आप अगर फोर्स से पानी अगर एक बार डालोगे दो बार डालोगे तीन बार डालोगे तो ऐसा होता है। मैं डेली लाइफ को बहुत अच्छे से देखता हूँ, तो आप एक बार डाल रहे हो तो नहीं निकल रहा है, जो भी डर्टी वाला जो एरिया है वो नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर आप उसको एक बार दो बार तीन बार चार बार आप देखना ध्यान से फोर्सफुली बार बार आप उस पर पानी डालते रहो, या फिर आपके पास वॉशरूम में अगर आप यूज करते हो तो आप पानी को आप कैसे भी करके कोई भी तरीका हो पानी को फोर्सफुली आप डालते रहो उस जगह पे, तो आप देखोगे कि अगर आप ना बिना टाइम लिए अगर आप ऐसे करके अगर आप 2-4 मिनट तक डालते रहोगे ना तो जो लग रहा था कि वो फ्लोर पे जो चीज़ें थी जो जो लगता था आपको कि क्लीन नहीं होगा, आप देखोगे थोड़ी देर बाद क्लीन हो जाता है। ये सबसे डेली लाइफ से क्या देखने को मिलता है, डेली लाइफ से देखने को मिलता है कि जब भी हम एफर्ट करते हैं तो कई बार चीज़ें टफ होती है, और जब टफ चीज़ें होती है तो वो एक अटेम्प्ट से क्लियर नहीं हो पाती है, या हमारे एक बार करने से नहीं हो पाता है, तो वो वही है कि आप टेस्ट सीरीज दिए और आपका मार्क्स बहुत मिनिमम आया। अब आप वही जो डर्टी एरिया था उस फ्लोर पे जब आप एक बार वाटर डाले तो क्लीन नहीं हुआ, उसको कुछ फर्क ही नहीं पता चला, ये वही है जो टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स कम आना है। लेकिन आप क्या करते हो कि आप टेस्ट सीरीज के मार्क्स को देखने के बाद डिमोटिवेट हो जाते हो और अगला अटेम्प्ट ही नहीं देते, जबकि आपको फिर से वाटर डालना चाहिए, फिर से वाटर डालना चाहिए, फोर्सफुली वाटर डालना चाहिए। आप ऐसे थोड़ी देर तक करते रहोगे वो डर्टी एरिया क्लीन हो जाएगा। ये डेली लाइफ की बात है, मैं बोला कि इन सब चीज़ों को मैं देखता हूँ, बहुत अच्छे से केयर करते रहता हूँ, तो इसलिए मैं मोटिवेट रहता हूँ इतना ज़्यादा कि मेरे को लगता है कि नहीं चीज़ें होगी, बस आपको गिव अप नहीं मानना है, आपको ना फोर्सफुली वाटर डालते रहना है उस जगह पे जहाँ पे आपको अच्छा करना है, तो आप देखना कुछ दिन के बाद ना वो क्लीन हो जाएगा। वही टेस्ट सीरीज का हाल है कि आप एक बार पेपर दो मार्क्स कमाएगा, दूसरे बार दो यार मार्क्स कमाएगा, तीसरे चौथे पाँचवें छठवें, आपको ना भागना नहीं है, एक समय के बाद ना आप देखोगे कि आप ना गुड सिचुएशन में आना चालू करोगे। मैक्सिमम लोग भाग जाते हैं, अब भाग गए तो खत्म बात हो गई, वो तो क्लीन होगा नहीं ना, आपका स्कोर अच्छा आएगा। तो ये सब चीज़ें डेली लाइफ से सीखने वाली चीज़ें, ठीक है। जस्ट मेरे को एक एग्जांपल याद आया तो मैं आपको बता दिया। तो आप टेस्ट सीरीज का प्लान अच्छे से करो, गुड फॉर्म में करो। मैं बोला भी कि आप ECEE IN के स्टूडेंट हो तो आप MedEasy ACE Academy GATE Academy का हम बहुत मेहनत करके बनाए, आप इंजॉय करोगे ऐसा मैं सोचता हूँ। फिर भी आपका फीडबैक देखना इंपॉर्टेंट होगा, इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखिएगा गेट एकेडमी के, आप इंजॉय करेंगे मेरे को लगता है। और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट होंगे तो मैं बोला क्रिएटिक्स भी आप यूज कर सकते हो, उनके कोर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत गुड होते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। ओवरऑल लोगों को अच्छा करने का प्लान करना चाहिए, खुद की प्लानिंग रखना चाहिए, तो सब लोग बस ट्राई करें कि बेस्ट आप दे सके करके, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, GATE 2020 के जितने लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब लोगों को अपना बेस्ट एफर्ट करना है। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग भी अपना बेस्ट दे रहे हो, चाहे वो मेरे गेट एकेडमी के स्टूडेंट्स हो चाहे नॉन गेट एकेडमी के स्टूडेंट्स हो, जितने लोग भी ऑफलाइन ऑनलाइन जितने स्टूडेंट्स हो, जो लोग अपना बेस्ट अपना एफर्ट दे रहे हैं उनके साथ लाइफ में गुड होना चाहिए। ये मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ में कि आपके साथ में अच्छा होना चाहिए। जो लोग अपना जान लगा के एफर्ट कर रहे हैं, तो जान लगा के जब आप वो एक ही जगह पर वाटर डाल रहे हो ना तो क्लीन होगा और हम सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। चलो ठीक है, बाद में मिलता हूँ किसी और दूसरे वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।